हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिवाली स्पेशल कुकिंग व्लॉग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको हम बनाएंगे चावल के आटे से। तो आज हम बनाएंगे चावल के आटे से पापड़ी की रेसिपी। तो यहाँ पर आप चावल का आटा, जैसा हम रोटी का आटा लेते हैं, ऐसा ही चावल का आटा लेना है। और ये आटा आपको आराम से मॉल या किसी करियाने की दुकान पर मिल जाएगा। अब इस पापड़ी के आटे में हम मोइन देने वाले हैं। तो मोइन के लिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप चाहो तो इसमें डालडा घी या वेजिटेबल्स घी भी ऐड कर सकते हो। तो जब भी पापड़ी में हम मोइन देते हैं तो घी को गर्म करके ही डालना है, तो इसी से पापड़ी एकदम खस्ता बनती है। और यहाँ पर मैंने इसमें कटी हुई धनिया ऐड की है। आपको धनिया का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। धनिया की जगह पे आप इसमें कड़ी पत्ता भी चॉप करके डालेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जितना सफ़ेद तिल लिया है, 2 चम्मच जितना पिसा हुआ अदरक, 2 चम्मच जितना पिसा हुआ हरी मिर्च, और साथ ही मैंने 2 से 3 घंटे भिगोई हुई मूंग दाल ली है, 1 चम्मच खड़ा जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप चावल के आटे से पापड़ी बनाओ या चकली बनाओ तो उसका आटा गर्म पानी से गूंथोगे तो चावल का आटा एकदम अच्छी तरह से गूंथ जाएगा और जो पापड़ी है, चकली है, वो फटेगी नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ और इसी से ही मैं चावल का आटा गूंथने वाली हूँ। तो पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और अच्छी तरह से सॉफ्ट डो बना लेना है। जैसा हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है और थोड़ा सा तेल डालकर मैं उसको अच्छी तरह से गूंथ लूँगी। और जो ये आटा गूंथ के रखा है ना, उसको हम बड़े बड़े लुओं में पार्ट कर लेंगे और एक बड़ा सा लुआ लेकर उसी से ही पहले हम पापड़ी बना लेंगे। और जो ये गूंथा हुआ दूसरा आटा बचा है उसको मैं गीले कपड़े से ढककर रख दूंगी। और जो मैंने बड़ा सा लुआ लिया है उसको मैं इस तरह से प्लेटफॉर्म पर गोल गोल कर छोटे छोटे लुए बना लूंगी। तो इसी तरह से मैं जब भी पूरी या पापड़ी बनाती हूँ तो लुए बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो एकदम परफेक्ट लुए बनते हैं और सभी के सभी लुए एक समान ही बनते हैं। और पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक सीट ली है। अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक की सीट नहीं है तो आप साड़ी या ड्रेस में जो बैग आती है उसको भी कट करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम पापड़ी बनाते हैं तो इसी तरह से प्लास्टिक की सीट पर ही बनाते हैं, तो एक ही बार में 6 पापड़ी आराम से बन जाती है। तो जो हमने प्लास्टिक की सीट ली थी उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाला और तेल को अच्छी तरह से फैला लिया और उसके ऊपर छोटे छोटे लुए रखकर मैंने दूसरी सीट भी इसके ऊपर बिछा दी और इस तरह से कटोरी की मदद से छोटी छोटी पूरी की तरह पापड़ी को तैयार कर लिया है। तो है ना पापड़ी बनाना एकदम इजी, एक ही बार में 6 पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। बेलने की भी कोई झंझट नहीं रहेगी, इतनी आसानी से पापड़ी बन जाती है। और प्लास्टिक सीट से निकालना भी एकदम इजी है। तो यहाँ पर मैंने तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तेल भी हमें जितना गर्म चाहिए इतना अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो ही रखनी है तो ही हमारी पापड़ी एकदम अच्छी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। जब भी चावल के आटे से पापड़ी बनाते हैं ना तो एकदम फटाफट से फ्राई हो जाती है। तो एक बेंच को फ्राई करने में शायद 2 ही मिनट लगते हैं। और इसी तरह से जो हमारी पापड़ी है वो एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैं दूसरी बेंच भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी सुंदर दिखने में लगती है। जितनी दिखने में अच्छी लगती है खाने में भी उतनी ही अच्छी टेस्टी बनी है और एकदम क्रंची बनी है। और आराम से आप इस पापड़ी को 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह की नई रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर देना।